राजस्थान के राजसमंद जिले में बसा 600 साल पुराना कुंभलगढ़ किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। कुल मिलाकर 32 किलों का निर्माण करने वाले महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए इस किले के परिसर में आज भी आपको 70 जैन और हिंदू मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये भव्य किला राजस्थान में स्थित सारे किलों में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े किले परिसरों में से माने जाने वाला कुंभलगढ़ किला सिसोदिया राजपूतों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। इसके चारों ओर फैली हुई 36 किलोमीटर लंबी दीवार भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। राजस्थान के दो बड़े क्षेत्र मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने वाले कुंभलगढ़ का इस्तेमाल मेवाड़ के शासक अक्सर युद्ध जैसी आपातकाल स्थिति में शरण लेने के लिए करते थे। मैं बताना चाहूँगा कि कुंभलगढ़ किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसी किले में सिसोदिया वंश के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको महाराणा प्रताप के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उस जमाने के प्रसिद्ध वास्तुकार मंडल द्वारा बनाए गए इस किले को ऐसी सुरक्षा और सुंदरता दी गई थी जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ के बादल महल में बनी इन बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाने के लिए रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। इस किले से जुड़ी एक अनोखी बात ये बताई जाती है कि महाराणा कुंभा इसका निर्माण करने के लिए दिन में जितनी भी दीवारें बनवाते थे वो सारी रात में अपने आप ढह जाती थी। और ऐसा क्यों होता था और ये किला फिर कैसे बन पाया, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। तो कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और इसकी दूरी उदयपुर से 84 किलोमीटर, राजसमंद शहर से 47 किलोमीटर और जयपुर से 344 किलोमीटर की है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साल 2013 में राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था, जिनमें कुंभलगढ़ किला भी था। कुंभलगढ़ किले का निर्माण सिसोदिया राजपूत वंश के शूरवीर राजा महाराणा कुंभा ने करवाया था और इसको 1443 से लेकर 1458 तक यानी कि कुल मिलाकर 15 साल में बनाकर तैयार किया गया था। ये है इस किले में प्रवेश करने के लिए पहला दरवाजा जिसको कहा जाता है हनुमानपुर। इस दरवाजे पर जो कीले आपको दिखाई दे रही है ये इसीलिए बनाई जाती थी जिससे कि अगर दुश्मन अपने हाथियों द्वारा इन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करें तो ये उनकी खाल में घुस जाए और दर्द की वजह से हाथी पीछे हट जाए और दुश्मन अपनी कोशिश में विफल हो जाए। तो करीब 600 साल पुराना ये किला समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये राजस्थान के सारे किलों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। बारिश के मौसम में ये विशाल किला चारों ओर से बादलों से ढका रहता है, इसीलिए इसके सबसे ऊपरी भाग को बादल महल के नाम से जाना जाता है। ये सामने में जो दीवार आप देख रहे हैं ये इस किले की प्रोटेक्शन वॉल यानी कि परकोटा है और ये कुल मिलाकर 36 किलोमीटर लंबी है, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। तो ये दीवार किले के चारों ओर फैली हुई है और इसको एक जगह से देख पाना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसका अधिकतर भाग पहाड़ी के पीछे है। इस दीवार की चौड़ाई 5 से 8 मीटर की है और बताया जाता है कि उस जमाने में इस पर 7 घोड़े एक साथ खड़े हो जाया करते थे।
ये किला कुल मिलाकर 14 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और किसी जमाने में इसके परिसर में लगभग 15,000 लोग रहा करते थे। यही नहीं बल्कि यहाँ करीब 360 जैन और हिंदू मंदिर भी हुआ करते थे, जिनमें से 70 मंदिर आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बने जैन मंदिर काफी प्राचीन हैं, जिनमें से कुछ सेकंड सेंचुरी बीसी के भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे राजा संप्रति, यानी कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के पोते। बताया जाता है कि कुछ समय बाद यहाँ ऐसा प्रलय आया कि उनके द्वारा यहाँ किया गया निर्माण कार्य और बसावट पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 1500 साल तक ये जगह पूरी तरह से सुनसान पड़ी रही और फिर 15वीं शताब्दी में यहाँ महाराणा कुंभा आए और उनको यहाँ मंदिरों के कुछ अवशेष मिले। उन्हीं अवशेष की मदद से महाराणा कुंभा ने यहाँ के मंदिरों का मिलाकर 9 दरवाजे बनाए गए थे, जिनको पार करने के बाद आप किले के मुख्य परिसर में पहुंच जाएंगे। इस जगह तक पहुंचने के लिए हम अब तक 4 दरवाजे पार कर चुके हैं। ये सामने वाला जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये किले का 5वां दरवाजा है और इसको कहा जाता है भैरव कोट। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है, क्योंकि किले का मुख्य परिसर यहीं से शुरू होता है। शुरुआत में मैंने आपको किया मारवाड़ की सीमा रेखा के नजदीक बसा हुआ है। राजस्थान में 2 बड़े क्षेत्र हैं, जो है मेवाड़ और मारवाड़। तो ये किला मेवाड़ की तरफ के आखिरी हिस्से में स्थित है और इसके बाद शुरू होता है मारवाड़ क्षेत्र, जो कि पूरा समतल और रेगिस्तान क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे और भी कई शहर आते हैं। तो कुंभलगढ़ मेवाड़ में आता है, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जैसे और भी कई क्षेत्र शामिल हुआ करते थे, लेकिन बाद में सरकार द्वारा ये सभी अलग अलग जिलों में बांट दिए गए। ये सभी हिस्से आपको अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों से ढके हुए दिखाई देंगे। तो उस जमाने में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी और वहीं से शासन चलाया जाता था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चित्तौड़ को सही नहीं माना जाता था, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था और वहाँ दुश्मनों द्वारा लगातार हमले होते रहते थे। तो जब 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा को मेवाड़ की गद्दी मिली, तब वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे जो कि सुरक्षित हो और जहाँ पर आसानी से कोई शत्रु हमला ना कर सके, और उनकी तलाश यहाँ पर आकर खत्म हुई, क्योंकि यहाँ आकर उनको आभास हुआ कि इस जगह को एक कुदरत